वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग। और इस वक्त वजाहत साहब जो हैं वो आप देखें अपना आसन कर रहे हैं, और वो हमें बताएंगे कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है तो आप घर बैठे किस तरह से योगा पॉस्चर्स की मदद से आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। जी वजाहत साहब, देखो बेटा, पहले तो ये है कि हार्मोन्स का बड़ा गहरा ताल्लुक स्ट्रेस के साथ भी है। अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो पूरी ज़िंदगी को ख़राब करने के साथ साथ इंटरनल सिस्टम को भी ख़राब करते हैं। तो योगा का हर वो पोज जो रिलैक्सिंग का है वो बिकम द पार्ट ऑफ आवर थेरेपी, ताकि वो आप करें और रिलैक्स रहें। तो ज्ञान ध्यान करना, आराम से बैठ जाना, आँखें बंद करके कुछ देर के लिए मेडिटेट करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी होगा। लेकिन और इसके लिए कोई मुद्रा भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ज्ञान मुद्रा लगाया हुआ है, ये बड़ा अच्छा है इससे, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होता है, नींद अच्छी आती है, मेमोरी अच्छी होती है, और इंसान जब रिलैक्स रहता है तो वो फिर अपने सिस्टम को भी सही रखता है। इसके साथ साथ जो सबसे पहले मैं फोकस करूंगा जिस पोज पे, वो है बटरफ्लाई, क्योंकि बहुत सारे पोज हैं लेकिन ये पोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैर जितने भी आराम से आप आगे रखना चाहें, पीछे रखना चाहें, लेकिन इस तरह आराम से बैठ के अगर आप बटरफ्लाई कर रहे हैं तो आप हैरान होंगे कि इस बटरफ्लाई से इतना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये हमारे इंटरनल हार्मोन्स को सबको सही करता है, और ये बहुत अच्छा है। मैं तो इसको बाकायदा आवाज़ भी आ सकती है, ठीक है, अगर नहीं होता तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये शुरू करें, और नहीं होता तो इसको दबाएं, इस तरह दबाएं, और एक वक्त आएगा कि आप इसको दबा के बिल्कुल नीचे ला सकते हैं। इसका अच्छा बता दीजिए कि पर्पस क्या है इसका। हाँ, अच्छा मैं एक और सवाल भी करना चाहूंगी आपसे, आप मुझे बताएं कि जैसे कि आप घुटने पूरे जमीन से ऊपर उठा रहे हैं और फिर जमीन पे लगा रहे हैं, तो ये जरूरी है किस तरह से आप करें? ये तो मैंने बताया था कि अगर इतना अगर आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है तो वो ऑप्शन ये थे, ऑप्शन वन। लेकिन जब ये हो जाए तो आप कोशिश करें कि इसको नीचे डाउन रखें, और अगर इसमें और ये सबसे बेहतरीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करता है। तो जिन लोगों के ख्वातीन में कॉलेजिन का मसला पड़ रहा है जी, वो रिंकल्स आ रहे हैं, एजिंग, ये जो है ना यंग रहने की, यूथफुलनेस के लिए अच्छा। पोज है और कमाल का पोज है। एक ये पोज करें, और ये आप जब करेंगे तो इतना कर सकते हैं कि आप आराम से इसको नीचे ले जाएं। मैं बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा जानबूझ के, क्योंकि लोग शुरू में वही करने लगते हैं जो हम उनको दिखा रहे हैं, लेकिन ये इतना है कि आप आराम से यहाँ पर लाकर टच कर सकते हैं जी। लेकिन ये दो से तीन दिन, एक हफ्ते तक अगर आप रेगुलर कर लेंगे तो कोई दिनों का मसला नहीं है, जिंदगी का मसला है। सही। रोजाना डिक्लाइन हो रहे हैं, रोजाना करना है, तो ये दिन और हफ्तों को तो मिला ही नहीं इसमें। आराम से बैठ जाएं, हमारा प्रोग्राम भी ऐसे ही बैठ के देखें, और ये बटरफ्लाई पोज कहलाता है, इसका मजा क्या है, अलग होता जब हम ये करते हैं तो हमें फूल अच्छे लगते हैं, हमें कलर अच्छे लगते हैं, हमें जिंदगी अच्छी लगती है। सुसाइड टेंडेंसी, बेटा जिन लोगों को सुसाइड टेंडेंसी हो उनको हम सुसाइड टेंडेंसी से हटाने के लिए पोज कराते हैं, ये जिंदगी की तरफ लेके जाता है बटरफ्लाई। वजह सब एक हेड स्टैंड पोज भी होता है, वो कहते हैं कि हार्मोनल्स को, आपके हार्मोन्स जो होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए बहुत ब्लड सर्कुलेशन के लिए ज्यादा अच्छा। दो बुनियादी चीजें, पेट का दबना और हमें अपोजिट हो जाना। आप उसके लिए कुछ भी कर लें, आप जरूरी नहीं कि मेरी बेटी, मैं चाहूंगी आप 4-5 पोजेस एटलीस्ट बताएं, ताकि जिन जो भी हमें घर में देख रही हैं हमारी बहनें, तो पहले तो ये करो आसान लगे कि बजाय इसके कि हम हेड स्टैंड पे जाएं, हम हेड स्टैंड के करीब तरीन रहते हुए सेफ कोई पोज करते हैं। तो इंटरलॉक किया, आराम से रुके और यहाँ पे इस तरीके से छोड़ दें अपने आप को, शुरू में बस कुछ भी नहीं करें। अगर और करना चाहें तो इसको अपने आप को उठा लें थोड़ा सा। और ये कितनी देर तक करना है आपने? इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत टाइम दें, आपने जितने में दिन में आप 20 सांसें लेते हैं या काउंट कर लें। अच्छा इसमें देखिए, मैंने हील नहीं लगाई है, ये डॉग स्ट्रेच नहीं है, ये मुझे अपने आप को सीधा ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मैं हल्का रखूँगा अपने आप को,